महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए जा रहे असंवैधानिक कार्यों के विरुद्ध एवं कंगना रनौत पर की गई अभद्र टिप्पणियों एवं उसके घर को तोड़े जाने के विरुद्ध समाज के विभिन्न संगठनों, प्रबुद्ध नागरिकों, किसानों ने प्रदर्शन किया एवं जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भेजा। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए इकट्ठे हुए विभिन्न संगठनों के लोगों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की तथा सभा को संबोधित करते हुए एडवोकेट आनंद शर्मा ने कहा कि वर्तमान महाराष्ट्र सरकार अपना आधार खो चुकी है एवं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संवैधानिक शपथ को भुलाकर तानाशाही पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत के घर को तोड़ा जाना महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही का जीता जागता सबूत है। वर्तमान की शिवसेना सोनिया सेना में रूपांतरित हो चुकी है तथा महाराष्ट्र में इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। वर्तमान परिस्थितियों में महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता मनजीत कुमार ने कहा कि कंगना रनौत ने जब से महाराष्ट्र में हो रही हत्याओं एवं ड्रग्स के धंधे के खिलाफ आवाज उठाई है, तब से महाराष्ट्र सरकार और फिल्म जगत ने हड़कंप मच गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश का हर आमजन कंगना रनौत की इस लड़ाई में उनके साथ है और ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इस दौरान वाल्मीकि समाज के नेता अश्विनी गिल ने बताया कि कंगना रनौत की हिम्मत को देखकर महाराष्ट्र की शिवसेना कांग्रेस सरकार डरी हुई है और बौखलाहट में कायरतापूर्ण हरकतों पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि देश का हर नागरिक सत्य की इस लड़ाई में कंगना रनौत के साथ खड़ा है और अंतिम विजय सत्य की निश्चित है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स आज समाज की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और जिस तरह से कंगना रनौत महाराष्ट्र में ड्रग्स माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है, वह अपने आप में एक वीरांगना द्वारा ही संभव है। सभा में अनिल वर्मा, राकेश कुमार, पुष्कर नाग, राजेश कुमार, सुरेश महाल, नवीन ठाकुर, जोगिंदर कटोच, ओम प्रकाश, जोगिंदर कुमार, शिव कुमार, विकास भारद्वाज, सतीश जोश, महेंद्र पाल, विक्रम का आगरा, सुखवीर राकेश करोटिया, किशोरी लाल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जो देश की बेटी है कंगना रनौत के साथ सरेआम अन्याय किया गया है, उसका घर तोड़ा गया है, उसकी खिलाफत करने हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम लोग इस माध्यम से, आज आपके माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि इस देश में कानून का राज है, इस देश में किसी ठाकरे का राज नहीं है, किसी सोनिया गांधी का राज नहीं है, किसी सोनिया सेना का राज नहीं है, इस देश में संविधान का राज है और सभी को अपनी बात रखने का बराबर हक है, अपनी बात रखने का अधिकार है और कंगना रनौत ने अगर अपनी बात रखी है तो महाराष्ट्र सरकार को वो सुनना चाहिए और साथ ही साथ जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनको भी उन्होंने जो ये कदम उठाया है उसका घर तोड़वाकर वो एक तरह से जो उन्होंने अपनी शपथ ली थी उसकी उन्होंने उल्लंघन किया है और उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जो महाराष्ट्र सरकार है उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। हम आज यहाँ से अभी मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, माननीय एडीसी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी को हम मेमोरेंडम देंगे और उसमें हमने ये सारी बातें लिखी हैं और हम आगे भी अगर महाराष्ट्र सरकार अपने रुख में परिवर्तन नहीं करती है तो अभी तो कोरोना काल में हम लोग ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने बुलाया नहीं, लेकिन हम लोग अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे।